गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 12 के प्रश्न उत्तर करेंगे और सभी बच्चे फेयर नोटबुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तरों को। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा और हमने इसके प्रश्न उत्तर को ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ रिटर्न फॉर्म में तो दे रही हूँ, पर मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि सभी बच्चे स्वयं से लिख सकें उत्तर अपनी भाषा में। जरूरी नहीं है कि आपको यही प्रश्न उत्तर लिखने होंगे जो मैं लिखवाऊंगी, आप अपनी भाषा में भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दैट मीन्स अपने शब्दों में दे सकते हैं। आपको और कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आप इसे दो। हाँ, आपकी हेल्प के लिए जरूर होंगे, लेकिन सभी बच्चे अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलते हैं हम आज के प्रश्न उत्तर पर। पांच बारह का फ्लॉप हो गई शरारत। फ्लॉप हो गई शरारत, इसके लिखित प्रश्न उत्तर ये। लेखिका बचपन में जमकर शरारतें क्यों करती थी, प्रश्न है आपका कि लेखिका बचपन में जमकर शरारतें। तो मैंने ऑलरेडी इसका उत्तर आपको बताया हुआ है, जमकर शरारतें करने में उसे अच्छा लगता था और यही कारण था कि वह शरारतों को जमकर करती थी, उसे बहुत ही मजा आता था, आनंद आता था। लेखिका लिखिए, लेखिका बचपन में शरारतें इसलिए करती थी क्योंकि बेटी का बचपन में शरारतें इसलिए करती थी क्योंकि उसे शरारत में आनंद आता था। लेखिका बचपन में शरारतें इसलिए करती थी क्योंकि उसे शरारत में आनंद आता था। शीशे का प्राप्त होना सब बच्चों को कैसा लग रहा था, लिखो शीशे का प्राप्त होना सभी बच्चों को ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा था मानो लेखिका ने कोई बड़ी उपाधि प्राप्त की हो। वह लेखिका लिखा है, वह लेखिका को स्टार के रूप में देख रहे थे। उत्तर 3, लेखिका की स्टार इमेज धूल में क्यों मिल गई थी। लेखिका की स्टार इमेज धूल में इसलिए मिल गई थी
क्योंकि लेखिका को यह अनुभव हो गया था कि उसने शीशा बुद्धि बुद्धि के चमत्कार से नहीं बुद्धि के चमत्कार से नहीं वरन बुद्धि के चमत्कार से नहीं वरन तिगड़म तिकड़म करके प्राप्त किया है, जो कि गलत है। ठीक है, और यही कारण था कि लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी स्टार इमेज धूल में मिल गई। उत्तर 4, लेखिका को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? लेखिका को अपनी गलती का एहसास उनके चाचा जी, लेखिका अपनी गलती का एहसास उनके चाचा जी के द्वारा समझाने पर हुआ कि उन्होंने ऐसा करके सही कार्य नहीं किया है। यह केवल आंखों में धूल झोंकना है। यह केवल आंखों में धूल झोंकना है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग सही कार्य करने में ही करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तर 5, रेल की पटरी के टूटने पर भी ट्रेन दुर्घटना होने से कैसे बच गई? रेल की पटरी टूटने पर बालक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये बुद्धि का प्रयोग करते हुए शर्ट को उतार कर हवा में लहराने बुद्धि का प्रयोग करते हुए शर्ट को उतार कर हवा में लहराने टूटने पर बालक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए शर्ट को उतार कर हवा में लहराने लगा, जिससे रेल चालक ने इसे रेल चालक ने रेल को रोक दिया और दुर्घटना होने से बच गई। क्या हो गया? दुर्घटना होने से बच गई। अब आते हैं हम अपने अगले उत्तर की ओर। अगला उत्तर है हमारा उत्तर
छः, लेखिका और चुटंगी ने असली चमत्कार कैसे किया? लेखिका और चुटंगी, चुटंगी ने असली चमत्कार अपने लेखिका और चुटंकी ने असली चमत्कार अपने स्वयं के द्वारा जोड़े गए पैसों को दुकान वाले अंकल को देने जोड़े गए पैसे को दुकान वाले अंकल जो जोड़े गए पैसे थे जोड़े गए पैसों को दुकान वाले अंकल को देने की बात कहकर किया। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि आप अपने पैसे जो हैं, जो शिष्य के पैसे हैं, वह उन अंकल को वापस दे देंगे, और वह भी अपनी पॉकेट मनी के साथ। तो जोड़े गए पैसे कौन से थे? उनकी पॉकेट मनी के पैसे थे जो कि वह उन अंकल को देना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो थे बेटा आपके प्रश्न, आपके पाठ 12 के प्रश्न उत्तर, और सभी बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में करेंगे इसे। ओके, अब हम करेंगे पाठ 13 के प्रश्न उत्तर। आपने 13 पढ़ा था, सूरज चमके आधी रात, तो अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और सभी बच्चे ध्यान से एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे। पाठ 13, सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके आधी रात, पाठ 13। अब इसके हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न उत्तर करते हैं हम, पाँच 13 लिखित प्रश्न उत्तर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारा लेखक ने स्कैंडिनेविया के बारे में क्या सुना था? क्या सुना था लेखक ने स्कैंडिनेविया के बारे में, जिसका उत्तर लिखेंगे हम। देखिए, अब इसके उत्तर के लिए हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए, बचपन में भूगोल मेरा सबसे प्रिय विषय रहा। एशिया यूरोप का नक्शा मैं बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। स्कैंडिनेविया का नक्शा मुझे सबसे कलात्मक लगता था, क्योंकि उत्तरी ध्रुव, क्योंकि क्यों लगा था उसे कि उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने की रात, आधी रात को भी सूरज चमकता है, और चारों बर्फ ही बर्फ, बर्फ बिना पहियों की स्लेज गाड़ियां चलती हैं जिन्हें कुत्ते खींचते हैं, हजारों की संख्या में रेडियर होते हैं और सफेद भालू भी। तो यही कारण था कि उसे स्कैंडिनेविया का नक्शा जो था के बारे में क्या सुना था लेखक। तो लिखते हैं उत्तर। सबसे पहले हमारे प्रश्न का उत्तर, उत्तर एक, लेखक ने स्कैंडिनेविया जो भी थे स्कैंडिनेविया के बारे में क्या सुना था, कि स्कैंडिनेविया के बारे में सुना था कि यह एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने दिन व
महीने रात होती है। ठीक है, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। यहाँ आधी रात रात को भी सूरज चमकता, आधी रात को भी सूरज चमकता है। ठीक है, 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं और आधी रात को भी सूरज चमकता है। ठीक है, चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है तथा हजारों की संख्या में क्या मिलते हैं, वहां देखने के रेंजे और सफेद भालू भी मिलते हैं। हजारों की संख्या में रेंडियर वे सफेद भालू देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर दो। ओस्लो फ्योर्ड की क्या विशेषता है? ओस्लो फ्योर्ड को किसे कहते हैं जहां समुद्र था दाई ओर, इसमें ना दाएं हाथ की ओर समुद्र है, ओस्लो फ्योर्ड कहते हैं इसे। ठीक है, 110 मीटर। इसे क्या विशेषता है ओस्लो फ्योर्ड की? तो लिखते हैं ओस्लो फ्योर्ड की विशेषताएं। ओस्लो फ्योर्ड ओस्लो फ्योर्ड की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर एक, यह है 110 किलोमीटर लंबा है। नंबर दो, यह देश के दक्षिण ध्रुव में स्थित है। विदेशों का अधिकांश व्यापार इसी से होता है। विदेशों का अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। इसे नॉर्वेजियन इसे सागर द्वार भी कहते हैं। प्रश्न 3 देखिए। ओस्लो के शहर और मकान सब कुछ सुरुचिपूर्ण कैसे थे? कैसे थे वहां के जो मकान थे और जो वहां के हाँ, शहर और मकान सब कुछ सुरुचिपूर्ण किस प्रकार से बने हुए थे, तो आपको ये बताना है। ठीक है, ओस्लो में हर घर के आसपास यह है। ठीक है, हर घर के आसपास बगीचा बनाने की हर घर के आसपास बगीचा बनाने की क्या है बनाने की सुंदर परंपरा
हरी 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 मुलायम घास, रंग बिरंगे हरी हरी मुलायम घास, रंग बिरंगे फूल, कहीं चेरी, आड़ू, तो कहीं सेब के वृक्ष। सब्जियों में पालक, गोभी और सलाद के चौड़े चौड़े पत्ते, सब कुछ सुरुचिपूर्ण है। ठीक है, और यही ग्रंथ है, उसे सबको सुरुचिपूर्ण लग रहा था। अगला है, लेखक के मित्र के घर का वातावरण कैसा था? तो लिखिए, कैसा वातावरण था? लेखक के मित्र, लेखक के मित्र का घर, लेखक के मित्र का घर के घर का वातावरण, देखो, लेखक के मित्र के घर का, लेखक के मित्र का घर का वातावरण जापान, मतलब जैसा, मतलब वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल उन्हीं के रहन सहन के अनुसार था। ठीक है, लेखक के मित्र के घर का वातावरण, घर का वातावरण नॉर्वेजियन के भांति, क्या कह रहे, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन की भांति ही था, भांति ही था। इसमें उन्होंने सैकड़ों क्रोनर खर्च करके करके घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए, मतलब लेखक ने मित्र के घर के वातावरण को नॉर्वेजियन की भांति ही था, उन्होंने सैकड़ों क्रोनर खर्च करके घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए थे, उगाए हुए थे। घर का ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था, भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था थी। घर मतलब भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था की हुई थी। रात के समय ओस्लो की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कैसे बोलते हैं, रात को खाना खाने के बाद जब वे घूमने निकलते हैं तो रात के 11 बज रहे थे, कैसा था? तो वो वर्णन आपको यहाँ पे करके बताना है, कैसा वर्णन है। देखिए, रात का वर्णन जो करा है लेखक ने, उत्तर 5, रात में रात के समय सड़क पर चहल पहल नहीं थी, परंतु
पहल नहीं थी, क्या था? परंतु सड़कों पर सन्नाटा। चहल पहल नहीं थी परंतु सड़कों पर सन्नाटा, सड़कों पर सन्नाटे के साथ। धूप और उजाला था, यह रात के 11 बजे का समय था। यहाँ आधी रात को भी सूरज चमकता है। ठीक है बेटे, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर 5, 12 और 13 के, और सभी बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक में करेंगे।